तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52s 5G वाला मॉडल है उसके अंदर एक और नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया, या फिर आप बोल सकते हैं अक्टूबर 2022 का एक और नया उसमें अपडेट को लॉन्च किया गया है। क्या है ये अपडेट, कितने MB का अपडेट है और इस अपडेट में क्या नए चेंजेस हुए हैं, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी नई टेक्निकल अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s में नया अपडेट आया है। तो उसके लिए पहले तो आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड इंस्टॉल पे। तो आप देखेंगे एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट अभी रिलीज किया गया है, जो कि है यहाँ पर देखेंगे जो कि है 274.67 MB का। इसमें सिक्योरिटी पैच 1 अक्टूबर की है, जो कि पहले ही थी। यहाँ पर ये कुछ ऐप्स है इतनी सारी जो कि अपडेट होंगे इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। और ओवरऑल तो ये सब तो होता ही था, बट इसमें दो चीज़ें अलग से मेंशन की गई। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस हैड बीन इम्प्रूव, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैड बीन इम्प्रूव। हो सकता है इससे पहले वाले अपडेट में कुछ बक्सेस होंगे उसको यहाँ पर रिजोल्व किया गया है, और सिक्योरिटी को भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो इसको कर लेते हैं अपडेट। फाइनली आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने का अपडेट चालू हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। तो फाइनली हो चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट, आप देख रहे होंगे ये अपडेट हो गया है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ वापस यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे ले जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। सॉफ्टवेयर अबाउट फोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे UI 4.1 है, एंड्रॉयड 12 का अपडेटेड है। एक यहाँ पर आप देखेंगे 1 अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है। अगर वहाँ पर आप क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपका एक URL खुलेगा। वो URL पे जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कुछ लेटेस्ट कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस नॉर्मल था वही अपडेट आया है। यहाँ पर आपको सैमसंग को सिलेक्ट कर लेना है। सैमसंग को सिलेक्ट करेंगे तो वो बता देगा कि इसमें क्या था, जो काहे के लिए इसको अपडेट किया गया है, ये किस चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब में कर देगा। मेनली यहाँ पर कुछ ऐप्स को अपडेट किया गया है। उस ऐप्स की मैं नए फीचर आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इस ऐप जो ऐप्स अपडेट हुई हैं उसमें क्या नए फीचर ऐड ऑन हुए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके बाद मुझे एक चीज़ लग रही है कि इस अपडेट के बाद शायद वो चीज़ हो गई हो, वो एयरटेल का जो 5G लॉन्च हुआ है उसमें 5G इनेबल नहीं बता रहा सॉफ्टवेयर। हो सकता है इस अपडेट के बाद 5G इनेबल हो जाए सॉफ्टवेयर का, तो आपके सामने इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं आ गया हूँ एयरटेल की ऐप पे। एयरटेल की ऐप पे लॉन्च करने के बाद मैं करता हूँ चेक योर फोन पे क्लिक करने के बाद पहले क्या हो रहा था, 5G इनेबल हैंडसेट बताता था बट सॉफ्टवेयर नॉट सपोर्टेड करके एरर देता था। इस अपडेट के बाद देखते हैं वो चीज़ दिखाता है या नहीं दिखाता। आप देख रहे होंगे ये फाइनली, मतलब कि इस अपडेट में आपका 5G का अपडेट दिया है, 5G सॉफ्टवेयर को एनरोल कर दिया गया है। तो इस अपडेट का मेजर यही है कि इसमें 5G को अपडेट इनेबल कर दिया गया, 5G सर्विस को। तो यही था दोस्तों इस अपडेट में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है सो मेरी कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।